हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लियर जेल जेल के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लियर जेल, जो कि इस जेल से आपको पिंपल्स जैसे प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। इस जेल का कॉम्बिनेशन है क्लिंडामाइसिन, जो कि आपको क्लियर जेल नाम से आएगा, और ये H&H का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये क्रीम आपको मार्केट में 20 ग्राम के पैक में मिलेगा। इसका प्राइस आपको 180 रुपीज़ में आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। लेने से पहले डेट ज़रूर चेक कीजिएगा। इस जेल का काफ़ी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट पे भी, और काफ़ी सारे डॉक्टर का भी बहुत ही भरोसेमंद ये जेल है। हाँ, काफ़ी लोगों ने क्लिंडामाइसिन फार्मूला के कोई जेनरिक कंपनी का इस्तेमाल किए होंगे, जैसे कि इस कंपनी के तुलना में बहुत ही फर्क भी होता है। तो आपको सिर्फ H&H का ही प्रोडक्ट लीजिएगा। आप सभी को यह बात समझना होगा कि पिंपल्स काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पिंपल्स आपको क्यों हो रहा है। जैसे मानो कि खान पीन में हो सकता है, जैसे ऑयली फूड खाते हैं बहुत सारे लोगों को, स्पाइसी मिर्ची वाला मसालेदार बहुत ही फूड अच्छा लगता है, या अनिद्रा की वजह से रात में देर रात तक नहीं सोते। और वो लोग जो पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, उनके लिए भी पिंपल्स आना काफ़ी आम बात है, मगर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, आप घबराइए मत। तो इस ये सारी प्रॉब्लम का एक ही हल क्लियर सेल लेके आए हैं, जो कि मैं खुद इस्तेमाल करके भरोसा कर पाया हूँ। मैंने भी काफ़ी सारे मेडिसिन दूसरे कंपनी का यूज़ किया था उस टाइम पे। तो आइए जानते हैं ये क्रीम को इस्तेमाल कैसे करें। ये जेल को इस्तेमाल आप रोज़ाना रात को चेहरे को पानी अथवा फेस वाश से यूज़ करते हैं, तो उससे अच्छे तरह से साफ़ कीजिए। और हाँ, वो साफ होने के बाद पानी के ऊपर कभी भी जेल को मत लगाइए। पहले आपको अच्छा सा टिश्यू या कॉटन का कपड़ा हो तो उससे पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद ही थोड़ा सा क्लियर जेल को अपने साफ वाली हाथों पे लेके इफेक्टिव एरिया जहाँ पे आपका पिंपल्स हो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। आप ये मत समझिए कि ज़्यादा लगाने से जल्दी ठीक होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा है तो आप सुबह में रात में भी दो बार यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आएंगे नए वीडियो के साथ। और हाँ, हमें रिकमेंड कीजिए या कमेंट कीजिए किस चीज़ के लिए वीडियो बनाना चाहिए। प्लीज़ कमेंट इन बिलो सेक्शंस।